लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमा की रसोई में आपका स्वागत है हमेशा की तरह दिल से। आज मैं आपको गोभी आलू की बहुत ही यूनिक टाइप की रेसिपी सिखाने वाली हूँ विदाउट ऑनियन, है ना। और उसके साथ बनाऊंगी मैं बटर चिली पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलते हैं फटाफट हेमा की रसोई में और बनाते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, एक बड़ी चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आज हम जो गोभी बना रहे हैं ना एकदम डिफरेंट तरीके से, ये आपने अभी तक इस तरह की गोभी कभी खाई नहीं होगी। ये मैंने गोभी लिया है करीब 250 ग्राम है, इसको मैंने गर्म पानी में अच्छे से उबाल के ठंडा कर लिया है, देखिए, है ना, क्योंकि आजकल बारिश का समय। ये एक आलू है जिसको मैंने काट के रख लिया था, इसको भी मैंने बॉयल पानी में 5 मिनट के लिए इसे रहने दिया था जिससे कि बढ़िया हो जाता है ना। ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गार्लिक, ये देखिए, थोड़ा सा डालूंगी मैं अदरक, थोड़ी सी डाल रही हूँ हरी मिर्च कटी हुई बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं जीरा। इनको हम अच्छे से तड़कने देते हैं, ये देखिए, इसको हम अच्छे से तड़कने देते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे अपने गोभी जो हमने गर्म पानी में करके रखे थे, ये देखिए, इसको अच्छे फ्राई कर लेंगे और डालेंगे थोड़े से आलू कटे हुए, ये देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं फटाफट, और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और हम डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए 2 टमाटर, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से भूनने देंगे, इसी में अपने सारे मसाले को ऐड कर देंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसको बॉईल करने में भी नमक डाला था इसलिए थोड़ा सा नमक। बस हम इसको अब इसको थोड़ा सा देर के लिए हम भूनने देंगे करीब 5 से 7 मिनट की देखिए। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी बन जाती है और कितनी जल्दी बनती है, देखिए आप कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी धनिया, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। बस हम इसको आप कर देते हैं, इसको टच नहीं करेंगे जिससे कि हमारे टमाटर है ना वो अच्छे से स्टीम में गल जाए। भाई हो रहा है, देखिए मैंने इसको ढाक दिया है, इसको ये भाप में इसको बनने देंगे बस 3 से 4 मिनट। 2 मिनट हो चुके हैं, है ना। और अब हम बनाएंगे अपना बहुत ही बढ़िया बटर चिली पराठा, ये देखिए। इसके लिए मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये नॉर्मल अपन आटा लेते हैं ना उसको, देखिए कितना सॉफ्ट सा मैंने डो बना के रखा है ये। इसमें मैंने डाली है अजवाइन और 1 चम्मच ऑयल, उसके अलावा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है ना। आज हम बनाएंगे बटर चिली पराठा, है ना। बटर चिली पराठा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे इतनी छोटी छोटी सी लोई कर लेंगे, ये देखिए, है ना। और हम बनाएंगे, ये देखिए, ये लिया है मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ये लिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा लिया मैंने हरी धनिया, थोड़ा सा लिया मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च, और ये लेंगे हम बटर, ये देखिए, इसको हम इतने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, थोड़ा बन गया है, ये देखिए एकदम मेल्ट भी हो गया है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है, बटर चिली फ्लेक्स वगैरह ये सारा मिक्स हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि कैसे बनाना है, ये देखिए इसको हम बेलेंगे काफ़ी बड़ा सा, ये देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, अब हम बेलते हैं इसको अच्छा बड़ा सा। इसको हम इसमें अच्छे से स्प्रेड करेंगे, देखिए ये पराठा बहुत टेस्ट लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चों को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाना पसंद आता है ना, वही चीज़ तो बार बार नहीं खाते वो, है ना। इसको हम बनाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए, ये हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया, ये देखिए। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा, ये देखिए, और हम बनाएंगे ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा लगा देंगे, फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा सा लगा देंगे, और फिर इसको ऐसे करके थोड़ा सा और हम इसको ऐसे बेल लेंगे। तवे को मैंने गरम करने रख दिया है, जब तक हमारा तवा गरम हो रहा है तब तक हम फटाफट इसको बेल लेंगे, ये देखिए। अगर आपसे इससे नहीं बिल रहा है तो थोड़ा सा आप आटा लगा ले सूखा, उससे बहुत अच्छे से बिल जाएगा, क्योंकि इसमें बटर ही बटर है ना, तो थोड़ा सा निकलता है इसलिए।
तो हम ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए ये हाथ से काफी अच्छा बनता है, बट अगर आपसे हाथ से नहीं बनता है तो आप इसको उससे बना सकती है। देखिए ये इतना टेस्टी बनता है ना बटर चिली पराठा, आप खाएंगे ना इसको मजा आ जाएगा। ये ज्यादा बड़े नहीं बनेंगे, इसको हम थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे। इसको हम तवे पे ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए देखिए दूसरा पराठा भी हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए बड़ा सा बेल के, ये देखिए ये पूरा बटर अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे। अब हम इसमें सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे, और नहीं बेलेगा तो हम इसको हाथ से कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम बेल लेते हैं और उसके बाद हाथ से कर लेंगे ऐसे। ये देखिए कितना इजी तरीका है। ये चिली बटर पराठा बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को क्या बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। जिसको एक खाना होगा ना वो तीन तीन पराठे खा जाएंगे, इतने टेस्टी और इतने हेल्दी भी हैं दोनों चीज़ें इसमें। ये देखिए है ना, अब ये वाला पराठा हम देखते हैं इसकी क्या पोजिशन है। ये देखिए कितना बढ़िया लेयर वाला सिख रहा है, दिख रहा है आपको। ये देखिए हम ऐसे ही दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। अभी एक साइड सेक चुका है, दूसरी साइड हम इसको अभी सेकेंगे। देख रहे हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है देखने में। धो चुके हैं, मैं देखती हूँ मेरी सब्जी की क्या पोजीशन है। ये देखिए कितनी लाजवाब और कितनी प्यारी कलर आ रहा है ना। देखते हैं आलू को, ये आलू भी हमारे हो गए हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम ढक देंगे। अब हम करते हैं अपनी प्लेटिंग। ये देखिए हमारा पराठा भी सिक चुका है अच्छे से बिल्कुल। ये देखिए जब हम इसको खाते हैं ना एकदम चिली बटर और धनिया का जो टेस्ट आता है ना, मज़ा आ जाता है एकदम। बिल्कुल लाजवाब पराठे, बटर चिली पराठा। आज के पहले आपने ये पराठा बनाया भी नहीं होगा, अब आज आप बनाएंगे ये वाला पराठा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यूनिक रेसिपी है गोभी की। गोभी कितना टेस्टी है, गोभी आलू मसाला देखिए कितना यूनिक और बिना प्याज का कितना टेस्टी बना। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी बन गया। और ये देखिए आप हमारे बटर चिली पराठा, ये देखिए कितनी लेयर्स हैं इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स हैं, मैं दिखाती हूँ इसको खोल के आपको। ये देखिए दिख रहा है आपको कितना बढ़िया मसाला और कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लेयर वाला पराठे बनते हैं ये, काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना लेयर्स आ रहा है इसमें। देखिए है ना बहुत टेस्टी। तो आप भी चिली बटर मसाला बनाइए, पराठा खिलाइए बच्चों को और खुश करिए, क्योंकि बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की रेसिपीज पसंद आती है। एक तरह के पराठे कभी खाते नहीं है, तो नए नए तरीके का बनाइए, खाइए और खिलाइए। कल हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। पर उसके पहले प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हेमा की रसोई को लाइक और शेयर जरूर करें हमेशा के लिए। बाय बाय।